बच्चों, मैं रवि शर्मा आज अचीवर्स एकेडमी में फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हें याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदी के सबसे पहले समाचार पत्र का जिक्र किया था। इस समाचार पत्र का नाम बनारस अखबार था, जो कि सन 1845 में यूपी के बनारस से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसके बाद हम आते हैं साप्ताहिक एक प्रकाशित हो रहा था जो कलकत्ता से शुरू हुआ था, 11 जून 1846 को मार्तंड साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था और इसके संपादक थे नसीरुद्दीन। इसके बाद सन 1850 में बनारस सुधाकर नाम से अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ, जिसके संपादक और प्रकाशक तारा मोहन मैच थे और ये अखबार 3 वर्षों तक पहले बंगाली और हिंदी में दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था, लेकिन उसके बाद चूंकि बंगाली की लोकप्रियता थोड़ी वहां पर कम हो गई, इस कारण ये फिर हिंदी में 1853 से केवल हिंदी में ही प्रकाशित होने लगा। इसके बाद फिर अखबार आया 1848 में मालवा अखबार, ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो तुमने देखा, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में अखबारों की जन्मभूमि जिसको कहा जाए वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता से थी। अंग्रेजी के अखबार सबसे पहले वहां से प्रकाशित होना शुरू हुए, उसके बाद हिंदी का जो सबसे पहला अखबार था यूपी से जो प्रकाशित होना शुरू हुआ था वो 1845 में बनारस अखबार था। इसके बाद मध्य प्रदेश से निकलने वाला जो पहला अखबार था वो 1848 में मालवा अखबार था। यानी पत्रकारिता का सफर, पत्रों के संपादन प्रकाशन का जो सफर था वो कलकत्ता से होता हुआ यूपी आया और यूपी के बाद फिर सन 1848 में मध्य प्रदेश पहुंचा। इस दौरान तमाम पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रहीं, जैसे आगरा से एक बुद्धि प्रकाश अखबार निकला सन 1852 में। इसके बाद भरतपुर से हिंदी व उर्दू में, जिसके संपादक मजरूल सदर थे। फिर 1853 में ग्वालियर गजट। यानी लोगों की रुचि अखबार को प्रकाशित करने में बढ़ती जा रही थी और चूंकि पाठकों की भी रुचि बढ़ रही थी, जाहिर सी बात है कि जब पाठक होंगे तभी अखबार छापने में किसी की रुचि होगी। इसके बाद जो अब आते हैं हम हिंदी दैनिक। अभी तक जो बात चल रही थी वो साप्ताहिक समाचार पत्रों की थी या पाक्षिक की, अब आते हैं हिंदी दैनिक यानी रोज प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था उसका नाम था सुधा वर्षण और सन 1854 में ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। यानी कि साप्ताहिक जो पत्र लगातार कलकत्ता वगैरह से प्रकाशित हो रहे थे, उसके बाद जब दैनिक की शुरुआत हुई तो संयोगवश कहें या उसकी लोकप्रियता कहें, वो भी कलकत्ता से ही 1854 में सुधा वर्षण के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्याम सुंदर थे और ये हिंदी और बंगला में प्रकाशित होता था, यानी इसकी लोकप्रियता अच्छी खासी थी। ये दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 14 वर्षों तक लगातार प्रकाशित होता रहा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ। जैसा कि इस अखबार के नाम से ही मालूम देता है, कवि वचन सुधा यानी ये मूल रूप से कविता का अखबार था, लेकिन इसमें चूंकि कोई भी अखबार जो है केवल कविताओं के आधार पर ना तो बनाया जा सकता है ना चलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें लोगों की बहुत रुचि नहीं होगी, तो उसमें जो है समाज सुधार संबंधी, राजनीति संबंधी और साहित्य संबंधी समाचार आलेख हुआ करते थे ताकि उसकी पठनीयता बनी रहे। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र के बारे में, सुधा वर्षों के बारे में, तो दैनिक में जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, जो टॉप इंपॉर्टेंस की खबरें होती हैं, देश विदेश की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो बड़े घटनाक्रम होते हैं, वो पहले पन्नों पर प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद जो है जो आगे जो लोकल की खबरें होती हैं, स्थानीय समाचार होते हैं,
वो उसके आगे के पन्नों में प्रकाशित होते हैं और अखबार के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर हो सकता है 4 पेज का अखबार हो, 8 पेज का अखबार हो, 14 पेज का अखबार हो, 16 पेज का अखबार हो, आजकल तो ज्यादातर अखबार 16 पेज के ही होते हैं, तो उसमें उसी हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। प्रयास ये होता है कि सभी वर्ग के लोगों को अपनी रुचि के समाचार मिल जाए, यानी घर में, किसी भी घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, युवा वर्ग भी होता है, बच्चों का वर्ग भी होता है, महिलाओं का वर्ग भी होता है, तो जो इसीलिए भी उसके जो 16 पेज के अखबार होते हैं उनमें परिशिष्ट भी छापे जाते हैं। ये परिशिष्ट हर वीकली अलग अलग होते हैं, या ये भी हो सकता है हर 2 दिन बाद, जैसी पठनीयता हो उसकी, उस हिसाब से इनको रिपीट किया जाता है। यदि इसमें एक साहित्य का पन्ना होता है एक हफ्ते, तो दूसरे दिन जो है वो राजनीति का पन्ना हो सकता है, तीसरे दिन महिलाओं के लिए हो सकता है, चौथे दिन बच्चों के लिए हो सकता है, यानी उनके रुचि के हिसाब से ही पन्ने होते हैं। आजकल सबको पता है कि खेलों की कितनी ज्यादा पठनीयता है, खेलों के बारे में लोग कितना पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो खेल का भी एक पूरा पन्ना उसमें रहता है अखबार में, देश विदेश का एक पन्ना रहता है, कारोबार के बारे में लोग जानना चाहते हैं, नई कौन सी चीजें बन रही हैं, किस चीज का सोने चांदी का क्या मूल्य है, एक पन्ना उसी के हिसाब से रहता है। तो आज के जो दैनिक समाचार पत्र हैं वो इसी हिसाब से प्रकाशित हो रहे हैं। इसके आगे के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।